हेलो हेलो। मैच की शुरुआत करानी अंपायर पाक मामू, मैच की शुरुआत करा दे। जीएसएस के प्लेयर स्टेज पे आइए। जेएसएस के जितने भी खिलाड़ी ग्राउंड पर मौजूद है उन सभी को वीआईपी डाइस पर आकर बैठना है। सैफ खान का ऐसा कहना है। जेएसएस के सभी खिलाड़ियों को वहीं बैठे रहो, उठना नहीं। सैफ खान का ऐसा कहना है। आप लोगों के लिए वड़ा पाव मंगाया सैफ खान ने, ऊपर बैठ जाओ। हाँ लेटर भी देगा सारे ना भाई, 12 ऑनर सब देगा तुम्हें। नेवर की शुरू हो गया मुझे मैच की शुरुआत होने जा रही है। दोनों ही ओपनर बीच मैदान में आ चुके हैं। पारी कौर नॉन स्ट्राइकर एंड पर है रैयान। रैयान, और पहला ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज नितिन बिज्जा। ओहो, अंपायरिंग पर देखिए आबिद मलवी अब आ गए हैं। पहली गेंद नितिन की सामना करेंगे तारिक। पहली गेंद बहुत बढ़िया गेंद टपका खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई लेग बाय के रूप में एक रन आता हुआ। अगली गेंद लंबा हिट लेने की कोशिश, गेंद और बल्ले का फिर से सही संपर्क नहीं, बहुत अच्छे एक गुड रन रिकवरी आता भाई हुआ। भाई। तो बाप बढ़िया अंदाज में खेला है, कट करने, बढ़िया कट शॉट, दो रन डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद। तारिक फ्रीड है, दो रन है ना, नो का है। हाँ दो रन बोले, नो दो दिया ना, दो रन दो को रन नारा अच्छा किया दो है। रन दो रन क्या जावे भाई, अरे वो हाथ ऐसे किया था मौला तो नो बोले। अगली गेंद फिर से बहुत बढ़िया गेंद, 3 रन लेना चाहते, देखना खतरा हो सकता है, डायरेक्ट हिट, बार बार बच गया रैयान। डॉट बोले ना, डॉट बॉल, खतरे की घंटी मंडलाई थी एक समय के लिए रैयान के ऊपर, मतलब लंबा हिट लेने की कोशिश, क्लीन बोल्ड हो गए तारिक, आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं तारिक। पहली ओवर में लगने वाला ये पहला झटका है 4 रनों पर। मुशर्रफ को ऐसा लग रहा है पुरानी टी शर्ट दे दी गई है। चार रन अच्छा पांच बॉल। ला भाई फरहान, ये गोल तो मैं भी हाथ लेगा और पांच, बहुत अच्छी बात मेरे कर रहे रस्सी हो, लग अच्छी गई बात है, कर रहे हो। थोड़ी ना कर पाएंगे और आप देख सकते हैं सब देख रहे हैं। अब ये बोल मतलब बैटिंग कर रहे हैं मुशर्रफ भाई अगली बॉल के लिए, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, 1 रन। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति होते हुए नकार लाया हो रन बना है जगह दिखा दो पांच, मुझे। एक ओवर के बॉर्डर की तरफ ओवर जाना में पड़ेगा ना भाई, रन बने हैं 5। मैं सही बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ भाई, बॉर्डर गेट में मेरा गांव, सभी गेट है ना, ये कहाँ दूर है। आप इस वक्त देख सकते हैं एमएलए ट्रॉफी, बहुत ही खूबसूरत ये एमएलए ट्रॉफी बॉलिंग हो पे रही आए है। हैं, बॉलिंग पे आए हैं, बॉलिंग पे आई है सोनिया, बहुत गंदे गेंद कर रही है, बहुत गंदे गेंद कर रही है। बहुत ही अच्छा कट लगता हुए, बाल बाल बचे हैं यहाँ मुशर्रफ, बहुत ही अच्छी गेंद थी सोनिया की। इम्प्रेसिव मैच है भाई, इम्प्रेसिव मैच है भाई। रयान और इसी के साथ बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, 1 रन से ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाएगा यहाँ पर रैयान को। पक्का है एवेंजर, अपने स्कोर एवेंजर आस्ते आस्ते बढ़ाते हुए, बढ़ाती हुई और नो बॉल, अरे बाप रे, जा पा आराम से बोल भाई, कहाँ नहीं है बाजू में दीजिए। सुनील की बहुत ही नो बॉल, ये चिल्ला के क्यों बोलता है, और बहुत ही अच्छा खेल दिया है मुशर्रफ ने 2 रन के लिए। 2 रन के लिए, तीसरे के लिए निकले और बच चुके हैं यहाँ पे, बस 2 रन से ज़्यादा और कुछ नहीं मिल पाएगा। बहुत ही अच्छा मारा है उड़ा के, और इसी के साथ दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं,
और मिस फील्ड का मुजाहरा होता हुआ इधर, दो रन से ज्यादा कुछ नहीं मिल पाएगा। ऐसा लग रहा है कि मोरिया की जो टीम है मोरिया बॉयज वो छम छम कर रही है। एक बार फिर उड़ा के खेला है मगर आउट होता हुए मुशर्रफ वहां पर, बहुत ही अच्छा कैच। और हमारे बीच में इस वक्त बहुत ही बेहतरीन बॉलर भी है ताजुद्दीन पटेल, लाजवाब गेंदबाज। और फैजान भाई आए हैं बैटिंग के लिए। और अच्छा स्ट्रोक फैजान भाई एक रन के लिए। लेटर नहीं मिला भाई, दो ओवर हो गई है और स्कोर हुआ है इस वक्त 13 रन। और गेंदबाजी के लिए आए है 13 रन हो गया, 13 अक्षय फैजान स्ट्राइक पे। और इसी के साथ बहुत ही खूबसूरत दो रन एम्पायर का इशारा, एक रन, एक रन है। बहुत ही अच्छा खेला था वो स्ट्रोक। और इस बार फिर बहुत ही अच्छी गेंद बीट करता हुआ स्टंप को नितिन के हाथ में। एक बार फिर बोल्ड, इसी के साथ रैयान की पारी यहाँ पे समाप्त होता हुए। बहुत ही अच्छा अक्षय ने बोल्ड किया है, लाजवाब गेंद गिरते ही साथ गेंद अपना कांटा बदलते हुए। थोड़ा स्टाम्प सही कर दूं। और नेक्स्ट बैट्समैन है प्रशांत, प्रशांत ने बहुत ही अच्छा खेला है लेग साइड की तरफ उठा के लिए, दो रन भाग चुकी है यहाँ पर। और इसी के साथ मिस फील्ड, ताजुद्दीन ने बॉल पकड़ ली। दो रन भाग चुकी है यहाँ पे प्रशांत अक्षय घूमते हुए। और उठा के खेला है, इसी के साथ आउट, व्हाट अ कैच रवि, रवि पन्ना। इसी के साथ स्कोर हुआ है 16 रन, 16 रन पे 4 विकेट होते हुए। और इस वक्त हाँ जोहान आ चुके हैं, नेक्स्ट बैट्समैन जोहान। जोहान इसी के साथ पर लेग बाय, एक रन और ओवर होता हुआ, 3 ओवर 17 रन 4 विकेट के नुकसान पे एवेंजर्स। और नेक्स्ट बॉलर है इस वक्त हमारे सामने बेस्ट ऑफ बेस्ट ताजुद्दीन पटेल। और इसी के साथ बहुत ही अच्छी गेंद, एक रन, मिस फील्ड होते हुए गलत थ्रो, 2 रन के लिए निकल चुके। और इसी के साथ 3 रन कंप्लीट करते हुए एवेंजर की टीम 3 रन। बहुत ही अच्छा। और फैजान भाई वाइड गेंद और इसी के साथ गलत थ्रो और 1+1, 2 रन। और इसी के साथ फिर एक बार मिस फील्ड होता हुई
एक रन, वाइट बॉल, 1+1। ओहो, ताजुद्दीन वाइट पे वाइट डाले पड़े। और इसी के साथ उड़ा के खेल दिया है फैजान ने, एक रन के लिए, दूसरे रन के लिए निकल गया। और ताजुद्दीन का ट्रो लगता हुआ, दो रन और, इसी के साथ चार रन। बहुत ही अच्छा एवेंजर की टीम अपना परफॉर्म दिखाते हुए यहाँ पे। और फैजान भाई टीम के जो कप्तान है, बहुत ही जिम्मेदारी से अपनी टीम का स्कोर 28 रन, दो बॉल हुई है, 28 रन हुए। अरे वो उसका लाइटर है, वो मांग रहा अभी आया था। मेरा लाइटर है, ये मेरा लाइटर है। हां उसका कहां है, मेरे को क्या पता, तो मैं देखो दोनों डॉट बॉल। और इसी के साथ क्या हो गया है मोरिया बॉयज को, जो स्टम 8 गेंद। और इसी के साथ बहुत ही अच्छा फैजान भाई ने फिर से उड़ा के खेला है लॉन्ग ऑफ पे। और सुनील का ट्रो इसी के, ओह बड़ा रन, अभी रन बहुत ही अच्छा भाग रहे फैजान भाई, दो रन कंप्लीट कर लिए। बहुत ही अच्छा एवेंजर अपना परफॉर्म कर रही है इस वक्त। और इसी के साथ फैजान, वाओ लवली सिक्स, व्हाट अ सिक्स फैजान भाई, व्हाट अ सिक्स, ओ लवली फैजान भाई, मानो अपनी टीम को बहुत ही ऊपर की तरफ लेता हुए जा रहे हैं। और बहुत ही अच्छा इनका रन हो चुका है इस वक्त, 37 रन, चार ओवर, चार विकेट के नुकसान पर। फैजान भाई क्या बैटिंग कर रहे हो आप, ओह बॉलिंग पे अक्सर हो, एक रन कंप्लीट। इसी के साथ दूसरे रन के लिए निकल चुकी है भाई जोहान, बहुत ही अच्छी ये भी बैटिंग कर रहे हैं। इसी के साथ वाइड गेन, और उठा के खेल दिया लेग की तरफ, दो रन फिर भाग चुके हैं। बहुत ही अच्छी रन, इसे मिस फील्ड होता हुई, 2+2, वाओ क्या हो रहा है मोरिया बॉयज, क्या हो गया उनको, मिस फील्ड पे मिस फील्ड करे पड़े हैं। और एवेंजर रन पे रन बनाए पड़ी है, एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ अक्षय भाई, एक मिनट रुक जाओ। दो गेंद हुई है, 43 44 44 44 पे 4। और इसके साथ ऑफ शॉट पे खेल दिया है एक रन के लिए, एक रन के साथ 45। और इसी के साथ बोल्ड फैजान भाई ने बहुत ही कप्तानी पारी करी है MS धोनी की तरह, बहुत ही अच्छी उनकी तारीफ, लाजवाब तारीफ। मिजाब नेक्स्ट बैट्समैन है इस वक्त मिजाब, और अभी भी अक्षय ओवर पे कंटिन्यू है।
टूडू को। और इसी के साथ मिस के साथ मिजा आपने उड़ा दिया है। यो एक रन कंप्लीट, दूसरे के लिए निकले, दूसरा रन भी कंप्लीट, पेस फील्ड हुई, फिर तीसरा रन हो, एक रन शॉर्ट है। इसी के साथ 2 रन मिलेगा सिर्फ ओवर की शाम। इसी के साथ स्कोर हो चुका है 47 पे 5, 5 ओवर के नुकसान में। आबिद भाई बहुत ही अच्छी एम्पायरिंग कर रहे हैं और उनके साथ देते हुए अस्पाक मामू इस वक्त बॉलिंग पे आ चुके हैं। रवि और बैटिंग कर रहे हैं मिजाब। और इसी के साथ बहुत अच्छा खेल दिया है लेग की तरफ, एक रन कंप्लीट करते हुए दूसरे रन के लिए निकले। और इसी के साथ वन शॉट, एम्पायर का इशारा आउट। नेक्स्ट बैट्समैन है जासिम। और फिर एक बार और अच्छा स्ट्रेट ड्राइव, इसी के साथ मिस फील्ड, 2 रन कंप्लीट करते हुए 2 ही रन है। मिजाब बहुत ही अच्छा खेलता हुआ अपनी टीम के लिए और इस बार फिर ऑफ साइड की तरफ खेला है, एक रन कंप्लीट हुआ है, दूसरे के लिए निकल चुके हैं और 2 रन मिल जाएंगे, मिल जाएंगे 2 रन। और फिर एक बार ऑफ साइड की तरफ फिर खेला है, फिर पहला कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरे के लिए निकले, मिल जाएंगे 2 रन फिर से। वाह क्या भाग रहे हैं यहाँ पे, मानो इनके पैरों में पहिए लग चुकी है जो स्पीड से भाग रही है। और स्कोर जाके पहुंचा है 53 टू टू गो। और इस बार और कट, ताजुद्दीन वहां पे है और उड़ा के फेंके, 2 रन फिर मिल जाएंगे। और बहुत ही अच्छा मारे थे लेकिन रवि पन्ना बीच में आ गए उनको लगी और इसी के साथ आउट, 1 रन मिलेगा यहां पर। इसी के साथ एवेंजर का स्कोर हुआ है 56 रन। एवेंजर ने इस वक्त स्कोर बनाई है 56 और 57 मारना है। जेटम वॉरियर के कप्तान जहाँ कहीं पे भी हो टॉस बॉक्स में आ जाए, और JSS के कप्तान जहाँ कहीं भी हो वो भी टॉस बॉक्स बॉक्स में आ जाए। खाली पेड़ है भी। एवेंजर प्लीज फील्ड लगा दो, समय का ख्याल रखे भाई प्लीज, काफी टाइम हो चुका है। एवेंजर कॉइन दीजिए, आराम से आराम से। मामू एम्पायर फील्ड के लिए बोल दीजिए प्लीज, टाइम का ख्याल रखे, काफी टाइम हो चुका है, नेक्स्ट टॉस होने जा रहा है इस वक्त JSS के कप्तान सैफ खान के और JTM के कप्तान जाकिर। हेलो और टॉस के हमारे बीच में आ रहे मुताफ,
चलो इसी के साथ जेट एम ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया है। थैंक यू जेट एम। अबे वही है ना बैटिंग करना वो लिए। अभी तक फैजान भाई प्लीज टाइम का ख्याल रखो। फैजान भाई प्लीज देखो ना बहुत टाइम हो चुका है। नहीं काफ़ी टाइम हो चुका है और हमें ख़ास तौर से टाइम का बहुत ही ख्याल रखते हुए इसी के साथ गेम की शुरुआत बॉलिंग पे आई है। एक मिनट गेम रोको भाई प्लीज़ एक मिनट रुक जाओ। बॉलिंग पे आए हमारे जावेद भाई और नितिन शुभम। जावेद भाई लेट्स प्ले प्ले। क्या जावेद भाई अपनी टीम के लिए कुछ कर पाएंगे? बॉल तू रख ना राजा अपने पास। और इसी के साथ पहला गेंद वाइड गेंद वाइड गेंद से खाता खुलता हुआ मोरिया का। जावेद इसके साथ फिर से सेकेंड वाइट। ओह लैंड दिशा भूल गए लग रहा। ओह बहुत ही अच्छी गेंद डॉट गेंद बहुत ही अच्छी गेंद। और इसी के साथ लेग पे खेला है एक रन के लिए। एक से ज्यादा कुछ नहीं मिल पाएगा। बहुत ही अच्छी गेंद। ओह शुभम को बीट करता हुई जावेद भाई की गेंद लाजवाब गेंद है। वाह मैजिकल बॉलिंग हो रही है यहाँ पे। और इस बार ओह वड़ा थाइस से पकड़ा। ओह एक रन बहुत ही अच्छी फील्ड। जावेद भाई ने अपने हाथ से ही बॉल को रोक दिया और एक से ज़्यादा कुछ नहीं। नितिन इसके साथ बहुत ही अच्छा खेला है स्टेट ड्राइव एक रन से ज़्यादा कुछ नहीं। और खेला है शुभम ने उड़ा के कैच छोड़ते हुए यहाँ पे एक से ज़्यादा अभी भी कुछ नहीं। एक ओवर छह रन और एक भी विकेट नहीं गिरा यहाँ पे विदाउट लॉस्ट। इस वक्त बॉलिंग पे है रैयान रैयान। और शुभम ने उठा के खेला है वाओ कैच मुशर्रफ भाई लवली। ओ मुशर्रफ भाई ने एकदम कैडबरी कैच रोका है यहाँ पे। मानो बॉल हवा में ऐसे आ रही थी मुशर्रफ भाई के पास। और नेक्स्ट बैट्समैन है अक्षय टीम के कप्तान। क्या वो अपनी टीम के लिए खेल। ओ बोल्ड यार रैयान वड़ा बॉलिंग क्या कांटा बदलती हुई सीधा मानो स्टाम्प को उड़ा दिया। बहुत ही अच्छी गेंद हैट्रिक पे आ चुके हैं रैयान। क्या रैयान भाई को हैट्रिक मिलेगी। नेक्स्ट बैट्समैन है रवि हैट्रिक गेंद। इसी के साथ एक रन भागे सेकंड के लिए निकले। ओह बच चुके एक रन से ज्यादा कुछ भी नहीं। बहुत ही अच्छी गेंद रैयान भाई की। नो गेंद एक रन फ्री हिट वन प्लस वन।
ओह फिर हिट पे भी बोल्ड कर रहे, इसी के साथ रन भाग चुके हैं और इसी के साथ रन आउट। नितिन सही बात बोल रहे आरिफ भाई, फिर हिट पे रन आउट कौन होता है, मेरे भी ये चीज नहीं समझ में आ रही है। जबकि मैं कहे तो मैं बहुत अलग भी बोल सकता हूँ मुताब भाई, इसलिए थोड़ा हट जाओ साइड में। उड़ा के खेला है 6 रन के लिए रवि, बहुत ही बेहतरीन सिक्स। नेक्स्ट बैट्समैन आए है सोनिया, 1-2 गो, 15 रन हुआ है। इसी के साथ एक रन लेग पे भागे और एक रन कंप्लीट हुआ है, 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं। इसी के साथ ओवर 16 रन पे 3 विकेट, 2 ओवर पावर प्ले का ये ओवर गेंद चलेगा। बॉलिंग पे आए है प्रशांत, रवि प्रशांत, इसी के साथ प्रशांत ने पहला ही गेंद वाइड कर दिया है, जबकि ये ओवर पावर प्ले का ओवर है। और बहुत ही अच्छा उड़ा के खेला है कैच छोड़ते हुए और इसी के साथ 2 रन कंप्लीट। वहां पे किजर थे जिन्होंने ये कैच को छोड़ा है, ड्रॉप कर दिया है कैच को, अफसोस। इस बार फिर उड़ा के खेला रवि ने, मगर एक से ज्यादा कुछ नहीं। तारिक ने बहुत ही अच्छी फील्डिंग करी है वहां पे। और सोनिया उड़ा के खेला सोनिया ने भी, ओहो 6 रन के लिए सोनिया, बड़ा लवली सिक्स यार, बहुत ही अच्छा सिक्स मारा सोनिया ने उठा के लेग सेट पे। मानो टीम के अंदर चार्जिंग आ गई है ऐसा लग रहा है। एक बार फिर सुनील ने आगे बढ़ के खेला है, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं, स्कोर जाके पहुंचा है 26 रन, 27 रन और वाइड गेंद। पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए मोरिया बॉयज की टीम। इसी के साथ उड़ा गया एक और बहुत ही खूबसूरत, मगर अफसोस आउट। जासिम वहां थे, बहुत अच्छा कैच रोका है वहां पे, आसमानी टोला हर कहीं नहीं चल पाएगा, कैच हो गया वायरल। और नेक्स्ट बैट्समैन सरवर मोमिन, बहुत ही डेंजर प्लेयर रहेगी। और इसी के साथ प्रशांत ने बहुत ही अच्छी गेंद की है, ओवर ओवर की समाप्ति, 28 रन हो चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर। हम दिल से शुक्र अदा करते हैं प्रिंस मूवी का, प्रतिमेश पाटिल जो हमारे साथ कदम। मिजाब नेक्स्ट बॉलर है, मिजाब और सोनिया, सोनिया फिर आगे बढ़ के खेले ऑफ साइड पे 1 रन, प्रशांत मिस फील्ड करते हुए 2nd रन के लिए फिर निकल गए, 2 रन कंप्लीट। अबे हट, मिस फील्ड वहां पे प्रशांत की। एक बार फिर सुनील बोल्ड, इसी के साथ मिजाब ने बोल्ड किया, क्या कांटा बदलती हुई गेंद, सीधा मानो स्टाम्प को उधेड़ के रख दिए।
और शाहनवाज नेक्स्ट बैट्समैन। और बहुत ही अच्छा उड़ा के मारा आसमानी टोला शाहनवाज ने, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। और इस सर्वर भाई बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है और बहुत ही अच्छा उड़ा के खेला है सर्वर भाई ने भी। दो रन के इसी के साथ आउट शाहनवाज, जबरदस्ती का दो रन भाग चुके थे ये। आबिद भाई को, आबिद भाई हमारे जो एम्पायर है तो इस वक्त ग्राउंड पे एक्सरसाइज करते हुए आपको नजर आते हुए, इन्होंने भी बहुत अच्छा एमएलए ट्रॉफी में अपना योगदान दिया है और उड़ा के खेला है। एक मिस फील्ड हो गई वहां पे, मगर एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट बैट्समैन है आसिफ, वो एक बार फिर आसिफ भाई ने उड़ा के खेला ऑफ साइड के लिए, एक रन के लिए निकल गए। दूसरा रन कंप्लीट करते हुए सरवर भाई मानो ऐसा लग रहा है कि पैरों में टायर लगा के आए हैं। और ओवर 35 रन हो चुका है 6 विकेट के नुकसान पे, 4 ओवर 12 गेंद पे 22 रन चाहिए, 12 गेंद पे 22 रन चाहिए। नेक्स्ट बॉलर है रैयान और उनका सामना करते हुए सर्वर। जब तक सर्वर वहां पे मौजूद है तो कुछ ना कुछ हो सकता है। और उड़ा के खेला सर्वर ने तो कैच छोड़ते हुए वहां पे और दो रन कंप्लीट। वहां पे मिजाब थे जिन्होंने कैच को ड्रॉप किया है। बहुत ही अच्छा शॉट खेला था सर्वर ने, वहां पे लेग साइड पे था वो। फिर से एक बार सिंगल एक रन के लिए निकले है सर्वर, बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं सर्वर अपनी टीम के लिए। नो वड़ा शॉट मगर अफसोस। और इसी के साथ दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं और 2+2 और प्लस 9 टोटल 5 रन। नो गेन, स्कोर जाके पहुंचा है 43 और फ्री हिट है। क्या आसिफ भाई फ्री हिट का फायदा उठा पाएंगे अभी हमें पता चल जाएगा इस गेंद पर। और इसी के साथ फ्री हिट का फायदा नहीं उठा पाए आसिफ भाई। आप फिर से एक बार आगे बढ़ के खेला है ऑफ साइड की तरफ, मिस फील्ड 4 रन के लिए। क्या हो गया मानो एवेंजर को जो चौका छोड़े मिस फील्ड करे निकल रही है। वहां पे खिजर थे जिन्होंने ये मिस फील्ड कर रही है। 8 गेंद पे 10 रन चाहिए। यो एक बार फिर उड़ा के खेला है स्टेट। जब तक का मैंने कहा था कि सर्वर वहां मौजूद है जब तक का टीम में जान है। और इसी के साथ कट खेला है सर्वर ने बहुत ही खूबसूरती के साथ एक रन के लिए। अगर 49 रन हो चुका है 6 विकेट 5 ओवर 6 गेंद पे 8 रन चाहिए प्लीज अशीर भाई। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं सर्वर। प्लीज मेहरबानी करके शांत बैठो भाई स्टेट पे, किसी भी तरह का हंसी मजाक स्टेट पे ना करे तो
आपकी मेहरबानी होगी प्लीज। मैंने कहा था फिर गेंद बॉलिंग पे आए खिजर और बहुत ही अच्छा शॉट खेला सरोवर ने, एक रन कंप्लीट, दूसरे रन के लिए निकले। इसी के साथ सरोवर की बैटिंग हुई खलास और रन आउट हो चुके हैं सरोवर। बहुत ही अच्छा थ्रो जोहान ने फेंका था वहां पे और नेक्स्ट बैट्समैन है। एक मिनट रुक जाओ एक रन है और नेक्स्ट बैट्समैन है वजाहत। 7 विकेट हो चुकी है, ये भी बहुत अच्छे बैट्समैन है, क्या ये अपनी टीम को जिता पाएंगे। और अच्छा ऑफ साइड की तरफ खेला है, एक रन भागा, इसी के साथ दूसरे रन के लिए निकले है, 2 रन कंप्लीट, 4 बॉल पे 5 रन चाहिए। खिजर है बॉलिंग पे और इसी के साथ वाइट, 4 गेंद पे 4 रन। वजाहत बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं, मैंने कहा इस बार। इसी के साथ वाइड गेंद, दिशा भटकते हुए खिजर, बहुत ही डेंजर बैट्समैन है वजाहत। फिर से गेंद वाइड और 1 एम्पायर का इशारा, वाइड गेंद 1+1 और इसी के साथ मोरियास जीत चुकी है। ओह लवली, क्या गेम जीती है। एक तरफ ऐसा लग रहा था कि मोरिया बॉयज हार की तरफ बढ़ चुकी है, लेकिन बहुत ही अच्छा वहां सरोवर ने टीम के लिए अपना योगदान। अक्षय मैन ऑफ द मैच के लिए, अक्षय मैन ऑफ द मैच के लिए आप आ जाए स्टेज पर। अक्षय जो देंगे राजा देंगे अक्षय को मैन ऑफ द मैच। अक्षय जहां कहीं पे भी हो स्टेट पे आ जाए प्लीज। राजा भाई आप उनको मैन ऑफ द मैच देंगे प्लीज। फांस राजा बहुत ही अच्छे। एक तरफ मानो ऐसा लग रहा था कि मोरिया बॉयज हार की तरफ है, लेकिन वहीं सर्वर ने बहुत ही अच्छी अपनी टीम को संभाला और जीत की तरफ लेके चले गई। रॉयल दरबार की तरफ से वाउचर 20% डिस्काउंट, जाइए और खाइए। जॉस शॉपर की तरफ से 50% का ऑफ, 90° गिफ्ट वाउचर, आप बहुत ही अच्छा हर चीज का फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट मैच है हम लोग का। हेलो हेलो चेक टेस्ट, हेलो हेलो चेक 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 चेक, बैंक में जमा करना सुबह चेक। हेलो हेलो मोरिया वाइस के सर्वर, जहाँ कहीं भी आपको कमेंट्री पैनल से संपर्क करना है। सर्वर ओ सर्वर आइए बिल्कुल देखिए, ये मेरा भी मानना है कि मैन ऑफ द मैच के असल हकदार जो थे वो
सर्वर थे, और ये सही काम किया अक्षय ने कि अपना मैन ऑफ द मैच सर्वर को दिया है। आइए मैं आवाज दूंगा। आइए इस्माइल अलवी हमारे बीच मौजूद है, उनके हाथों से मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा सर्वर को। पहले ये नाइन्टी डिग्री का ये गिफ्ट वॉचर, उसके बाद देंगे जो शॉपर स्टॉप का ये गिफ्ट वॉचर। और उसके बाद रॉयल दरबार का 20% ऑफ का गिफ्ट वॉचर। उसके बाद ये ट्रॉफी जिसे स्पॉन्सर किया रईस शेख साहब ने, बिल्कुल सर्वर अपनी पूरी टीम को लेकर जाइए रॉयल दरबार पे, 1000 का खाइए 800 भर के आइए, कोई मसला।